देखिए, पहली बात तो उनको कुछ ऑफर दिया भी गया था कि नहीं दिया गया था, मैं उसकी पुष्टि कतई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से कहीं से कोई ऑफर नहीं। बट मेरे चाचा जी ही बोलते हैं, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। मेरे पिता ने परिवार पार्टी को एकजुट रखा, पर आज उनके जाने के बाद जिस भूमिका में मेरे चाचा को होना चाहिए था, वो नहीं निभाते हुए जिस तरीके से उन्होंने पार्टी में, परिवार में टूट की, मुझे लगता है आज उसी का ही परिणाम है। एनडीए के अलायंस का सीटों का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ चिराग पासवान इस वक्त मौजूद है। चिराग जी, नवादा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जो पांच है वो आपके फेवर की आपको सीटें दे दी गई हैं। आप किस तरह से कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर, क्योंकि हाजीपुर से आप ही कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी का आभार अपनी पूरी पार्टी की तरफ से प्रकट करता हूँ। मेरे नेता के रहते हुए भी, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद भी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने परिवार को, पार्टी को सम्मान देने का काम किया, और आज उसी का ही नतीजा है कि गठबंधन में विपरीत परिस्थितियों से हमारी पार्टी निकलते हुए आज जिस तरीके से गठबंधन में उचित सम्मान के साथ प्रतिनिधित्व पार्टी ने किया है, इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का, गठबंधन के हमारे तमाम साथी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय माझी जी, इन सब का मैं धन्यवाद करता हूं, जिस सहजता से, जितने एमिकेबली ये गठबंधन में तमाम सीटों का चयन, सीटों का बंटवारा हुआ। मुझे लगता है ये पार्टी के हर नेता के उस दृढ़ संकल्प को दर्शाता है जिसके लिए हम सब संकल्पित हैं। जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के लिए तय किया है 400 सीटें जीतने का, मुझे लगता है उसी संकल्प के साथ आज ये तमाम पार्टियां एकजुट होकर, गठबंधन की हमारी पांचों पार्टियां एकजुट होकर उस संकल्प को पूरा करने की ओर अग्रसर है। चिराग, आपके खेमे में तो खुशी की लहर है, लेकिन आपके चाचा पशुपति पारस के खेमे में इतनी खुशी की लहर नहीं है। परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि देखेंगे, नजर बनाए हुए हैं। उनको जो ऑफर रखा गया राज्यसभा सीट का और प्रिंस के लिए मंत्री पद का, उससे भी वो खासा नाराजी दिखे, खुश नहीं नजर आए। इसका कुछ असर पड़ेगा आप लोगों में? देखिए, पहली बात तो उनको कुछ ऑफर दिया भी गया था कि नहीं दिया गया था, मैं उसकी पुष्टि कतई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से कहीं से कोई ऑफर नहीं। बट हैविंग सेड इट ऑल, ये मेरे चाचा जी ही बोलते हैं, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। और मुझे लगता है कि समय ने आज जस्टिस किया है, न्याय किया है, उस संघर्ष को आज सम्मान मिला है जो मेरे पिता के जाने के बाद उनकी पार्टी को तोड़ने को लेकर, उन्हीं के परिवार को तोड़ने को लेकर जो षड्यंत्र किए गए, आज जब मेरे पिता यहाँ पर नहीं हैं, मैं मानता हूँ कि उनको भी इस बात का दुख होगा, जिस खून पसीने से उन्होंने जिस पार्टी के नाम को, जिस सिंबल को उन्होंने चुना था, आज भी वो फ्रीज है। इसके जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी किसकी थी कि मेरे पिता के जाने के बाद परिवार को एकजुट रखें जैसे मेरे पिता ने रखा था? ऐसा तो नहीं है कि भैया उस वक्त कठिन परिस्थितियां नहीं आई, उस वक्त भी परिवार में भी संकट आए, पार्टी में भी संकट आए, पर तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेरे पिता ने परिवार पार्टी को एकजुट रखा। पर आज उनके जाने के बाद जिस भूमिका में मेरे चाचा को होना चाहिए था,
वो नहीं निभाते हुए जिस तरीके से उन्होंने पार्टी में परिवार में टूट की, मुझे लगता है आज उसी का ही परिणाम है कि आज इस खेमे में खुशी है और उधर नहीं। चिराग, चाचा का समय खत्म हो चुका है लेकिन आपका समय बिहार में उज्जवल है, आप इसकी तरफ इशारा करें, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि सांसद हमारे पास है तो उसका खामियाजा एनडीए को हो सकता है, ऐसी उन्होंने एक्शन में बातें जरूर करें। देखिए, जन समर्थन से सांसद विधायक ये समय का दस्तूर रहा है, आए हैं गए हैं, कितनी बार कितने सिटिंग सांसदों के कि को टिकट नहीं मिलता, मौजूदा परिस्थिति में भी कईयों के कटे हैं। सो सांसद विधायक से ज़्यादा उस पार्टी पर, उस पार्टी के नेता पर लोगों का विश्वास, वो जनाधार ज़्यादा मायने रखता है। ये चिराग पासवान एलजेपी नेता, और आज चिराग पासवान ने साफ तौर से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं, और साथ साथ पशुपति पारस जो कि उनके चाचा हैं, उन पर उन्होंने साफ तौर से कहा कि सबका समय आता है, समय बलवान है, और ये उनके चाचा ही कहा करते थे, इसीलिए सो सही समय है, समय का आकलन करते हुए इस बार जो उनके साथ जो हुआ या फिर जिस तरह से पार्टी के साथ पूर्व में हो चुका है, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि समय इस वक्त चिराग पासवान का है। वीडियो जर्नलिस्ट रणबीर के साथ रिपब्लिक टीवी।